अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल शाइनिंग स्टार्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। दिस इज मारूफ खान, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको चैप्टर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करवा दूँ। उसके लॉन्ग क्वेश्चन हमने नहीं किए, शॉर्ट कर लिए। सो एमसीक्यू नंबर 1 है, द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज एडेड टू एन इथाइन मॉलिक्यूल। यहाँ पे आपको कहा हुआ है फाइनल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, रैंडमली भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको रिएक्शन बता देती हूँ कि कैसे आपको प्रोडक्ट निकालना है। जब भी आप लोग इथाइन का रिएक्शन करवाएंगे HBr से, तो ये रिएक्शन होता है हाइड्रोहैलोजिनेशन। HBr आपने इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2, सही है, और इसका रिएक्शन हमने HBr से करवाना है। यहाँ पे मार्कोफ निकोफ्स रूल अप्लाई होता है, इसका ये मतलब होता है कि जहाँ पे भी हाइड्रोजन कम होंगे वहाँ पे नेगेटिव आएगा। यहाँ पे HBr ब्रोमीन है, ये हैलोजन होता है, नेगेटिव है, हम यहाँ करेंगे C2। अच्छा मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, असल में क्या होता है कि ये होते हैं ट्रिपल बॉन्ड और इसके ऊपर हाइड्रोजन होता है। जब एक जगह पे यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से है और यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से है, यह ब्रोमो इथीन। अब हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। अब हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट कहाँ है, फाइनल प्रोडक्ट जब आता है जब हम इस रिएक्शन का वापस से रिएक्शन करवा दें HBr से, तो आपको पता है कि ब्रोमीन पार्ट कहाँ आएगा, ब्रोमीन पार्ट इसके पास आएगा, तो ये बन जाता है आपके पास CHH। यहाँ पे तीन H आ जाते हैं, यहाँ पे C, ये H हो जाता है और यहाँ यहाँ पे ब्रोमीन आ जाता है, तो ये बनता है 1,1 ब्रोमो और 1,1 ब्रोमो इथेन बन जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, मतलब ये ऐसे बनता है CH3 CHBr2, सही है। ये होता है प्रोडक्ट। अगर आप इसकी IPC, अगर आप इसका नेम लिखेंगे क्या होता है, तो ये देखें 1 और 1 के साथ लगा हुआ है, यहाँ पे हम 1 और 2 करेंगे, तो ये 1,1 ब्रोमो और फिर इथेन आ गया। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, 1,1 डाई ब्रोमो इथेन, क्योंकि 2 है ब्रोमो तो 1,1 डाई ब्रोमो इथेन आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 2 है, द फॉर्मूला ऑफ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एस C3H6 इट शुड बी। सो आपको पता है यहाँ पे सैचुरेटेड कहा हुआ है, ये कीवर्ड है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का आवर C3H6 है, ये फॉर्मूला है CnH2n का, सही है। यहाँ पे CnH2n फॉर्मूला, 3 का डबल हो रहा है 6, ये होता है एल्कीन का फॉर्मूला, लेकिन साइक्लो एल्केन का भी होता है। एल्केन हमारे पास प्रोपीन होता, आंसर प्रोपीन होता, लेकिन वो इस जब होता जब यहाँ अनसेचुरेटेड होता है। यहाँ पे कीवर्ड सेचुरेटेड है, साइक्लो प्रोपेन आंसर होगा, क्योंकि साइक्लो प्रोपेन या साइक्लो एल्केन और प्रोपीन का दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम होता है, जब बस फर्क ये होता है कि प्रोपीन इथीन हमेशा अनसेचुरेटेड होते हैं और प्रोपाइन साइक्लो प्रोपेन हमेशा सेचुरेटेड होता है, मतलब प्रोपीन में डबल बॉन्ड होता है और प्रोपेन में मतलब हम ये कहते हैं कि साइक्लो अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, वो सैचुरेटेड होता है। एमसीक्यू नंबर 3 है, ओजोनॉइड ऑन हीटिंग विद जिंक डस प्रोड्यूस। तो याद रखें कि जब भी हम लोग इथीन और इथाइन का रिएक्शन करवाते हैं ओजोन से O3 से, तो हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है ओजोनॉइड। ओजोनॉइड का जब हम जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं, लाइक हम ये कहते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट जिंक के साथ जब आप रिएक्ट करवाएंगे, तो आपके पास हमेशा हमेशा एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पे आंसर होगा बी। और इस रिएक्शन को कहते हैं ओजोनोलाइसिस, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन ओजोन O3 के साथ रिएक्ट करते हैं, देन फिर ओजोनॉइड की फॉर्मेशन होती है इंटरमीडिएट कंपाउंड, और फाइनली फॉरन रैपिडली ब्रेक डाउन हो जाता है एल्डिहाइड में। करेक्ट ऑप्शन इज बी। एमसीक्यू नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। पहले आपको बताना चाहिए आइसोमेरिज्म होते क्या। आइसोमेरिज्म होते हैं कि वो कंपाउंड जिनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। मैंने आप लोगों को जब एमसीक्यूज करवाए थे, आई थिंक मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने या शायद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे, तो मैंने फंक्शनल ग्रुप के बारे में आइसोमेरिज्म के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाया था। तो याद रखें कि ना इन सब में फंक्शनल ग्रुप पूछा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप वो आइसोमेरिज होते हैं जिनका मॉलिकुलर फार्मूला एक्जैक्टली सेम है बट इनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। एक में कीटोन होगा तो एक में एल्डिहाइड होगा, डाइमिथाइल ईथर और इथेनॉल। यहाँ पे आंसर होता है क्या होता है कि एथेनॉल होता है हमारे पास C2H5OH, सही है। यहाँ पे C2 है, H6 और O, और डाइमिथाइल ईथर, ईथर का फॉर्मूला होता है ROR, सही है। ROR फॉर्मूला होता है, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे अब डाइमिथाइल लिखा हुआ है, आप यहाँ लिखेंगे CH3 OCH3,
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सी टू एस सिक्स ओ आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों का क्या है, दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, वन बुटीन और टू बुटीन, ये पोजीशन आइसोमर्स होते हैं। पोजीशन आइसोमर्स में अलग है, बुटीन मतलब एन है, मतलब डबल बॉन्ड वन के साथ कार्बन के साथ लगा हुआ है, यहाँ पे दो के साथ लगा हुआ है, तो ये पोजीशन चेंज हो गई। एन बुटीन और आइसो बुटीन हमारे पास क्या होता है, एन बुटीन और आइसो बुटीन होता है ये इसको हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में चेन अलग होती है, या एन है मतलब, एन का मतलब होता है कि बिल्कुल स्ट्रेट चेन हो, ये स्ट्रेट चेन है सही है, और आइसो का मतलब होता है सेकेंड लास्ट पे कार्बन लग जाए, तो ये हो गया आइसो। तो यहाँ पे ये फर्क होता है कि सेकेंड लास्ट पे एल्कीन, एल्कीन में सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ, वो आइसो हो जाता है। यहाँ पे कीटोन दिया हुआ है, प्रोपाइल दिया हुआ है, यहाँ पे ये हो ही नहीं सकता, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता। कीटोन और एल्डिहाइड का दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, क्योंकि कीटोन में फंक्शनल ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है जबकि एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड हाइड्रोजन होता है। तो बस ये आपको याद रखना है, इससे आपको ईजिली याद रह जाएगा। अब हम इसी को नंबर 5 है, द सब्सटीट्यूएंट दैट कैन एक्ट एज अ मेटा डायरेक्टर ए। सो डायरेक्टर्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, सब्सटीट्यूएंट होते हैं, कुछ डीएक्टिवेट करवाते हैं, कुछ एक्टिवेट करवाते हैं, कुछ होते हैं पैरा, आपको बेंजीन की रिंग होनी पता होनी चाहिए, ये नज़र नहीं आ रहा। बेंजीन की रिंग होती है ऐसी, सही है, ये कार्बन होते हैं। अब क्या होता है कि ये ऑर्थो होता है, सही है, ये पैरा होता है और ये मेटा होता है। अब इसमें एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, वो याद रखनी है आपको, वो एमसीक्यूज में आ सकती हैं, वो एमडी कैट के पेपर में आती हैं, ये आपको याद ज़रूर रखनी है एग्जाम्पल्स के, किसकी कौन सी एग्जाम्पल है। जो ऑर्थोपेरा होते हैं ना, वो एक्टिवेटर्स भी होते हैं और डीएक्टिवेटर्स भी होते हैं और मेटा भी। लेकिन क्या होगा कि ऑर्थोपेरा डीएक्टिवेटर्स होते हैं ना, वो सिर्फ हैलोजन्स होते हैं, लाइक फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन, ये सारे के सारे डीएक्टिवेटर्स हैं, डीएक्टिवेटर्स जो डीएक्टिवेट करवाते हैं जब भी बेंजीन रिंग के साथ अटैच होंगे। अभी मैं बता देती हूँ कि एक्टिवेटर्स और डीएक्टिवेटर्स को कैसे याद रखते हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बताया कि हेलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हमेशा हमेशा होते हैं ऑर्थोपेरा डीएक्टिवेटर्स। OH और CH3 ये होते हैं ऑर्थोपेरा एक्टिवेटर, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड, COH, कीटोन, एल्डिहाइड, ये सब के सब मेटा डायरेक्टर्स, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डी। एमसीक्यू नंबर 6 है, वेल्डिंग गैस अमंग द फॉलोइंग एस। तो वेल्डिंग गैस होती है इथाइन, इथाइन को कहते हैं एसिटाइलीन और इथीन को कहते हैं एथिलीन। तो ये आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे इथाइन नहीं दिया हुआ है, इन्होंने कहा हुआ वेल्डिंग गैस कौन सी है, तो वो होती है इथाइन। ये 3000 सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है, ये वेल्डिंग के लिए यूज होती है, दैट्स वाई इसको वेल्डिंग गैस कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। एमसीक्यू नंबर 7 है, बेंजीन बर्न्स विद स्मोकी फ्लेम बिकॉज ऑफ एयर। सो बेंजीन को जब जलाया जाता है ना, तो वो स्मोकी फ्लेम के साथ बर्न होता है, क्यों, क्योंकि इसके पास हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, सही है, C6H6 का मतलब होता है कि इसके पास कार्बन बहुत ज़्यादा होता है। इसकी परसेंटेज याद रख लीजिएगा 93.6 करके होती है, तो राउंड ऑफ करके आप बोल सकते हैं 94% इसमें कार्बन होता है। तो ये होता है इसका रीज़न कि बेंजीन बर्न करती है विद स्मोकी फ्लेम बिकॉज ऑफ इट्स हाई कार्बन परसेंटेज। करेक्ट ऑप्शन इज बी। एमसीक्यू नंबर 8 है, सिलेक्ट द सुइटेबल केमिकल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथीन और इथाइन। ये डिस्टिंग्विश करना होगा आपको, इसमें ना कुछ सुइटेबल केमिकल्स होते हैं जो डिस्टिंग्विश करने में काम आते हैं। तो वो एसिडिफाइड KMnO4 होता है, ये दोनों मतलब ये एसिडिफाइड KMnO4 यूज होता है टू सुइटेबल केमिकल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथीन और इथाइन। करेक्ट ऑप्शन एस बी। नंबर 9 है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अमंग द फॉलोइंग इज। तो मेटा डायरेक्टिंग वापस से आ गया, देखिए मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, हम ये कहते हैं कि एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप और एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो एक्टिवेटर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, उनकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, जबकि जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है वो रिएक्टिविटी को कम करते हैं बेंजीन की। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो होता है NO2 नाइट्रो सल्फेटो और सारे कार्बोक्सिल ग्रुप्स, लाइक और कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो, उसमें आप ओइक एसिड कह सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हैं, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर्स, ये सब के सब होते हैं मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। यहाँ पे कहा हुआ है NO2 दिया हुआ है, नाइट्रो हमेशा मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिविटी ग्रुप होता है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। अब बता देती हूँ कि ऑर्थोपेरा ये आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं,
और तो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं सबके सब अमाइनो अल्काइल अमाइनो अमाइड लाइक ओ एच ओ आर एन एच टू, यहाँ पे ओ एच दिया हुआ है, सी एच थ्री एन एच टू सी एच टू हाइड्रोक्सी एल्कोक्सी, ये सब के सब होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जबकि जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं ऑर्थो पैरा के डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑल हेलोजन्स, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सारे के सारे मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे टी होगा क्योंकि उन्होंने मेटा डायरेक्टिंग पूछा हुआ है। और ये याद रख लें कि बेंजीन है, ये बेंजीन का दिया हुआ है और ये ऑर्थो होता है लाइक ये वन यहाँ पे टू ये थ्री ये फोर ये फाइव ये सिक्स, तो टू सिक्स और फोर ये हो गई ऑर्थो पैरा और मेटा होता है थ्री और फाइव। तो दैट्स इट। अब हमारे पास लास्ट एमसीक्यू है असाइलेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ ए एल सी एल थ्री गैप। सो एल सी एल थ्री एक हम ये कह सकते हैं कि कैटलिस्ट है लोइस बेस और यहाँ पे असाइलेशन की हुई है बेंजीन की। इलेक्ट्रोफेरिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में कोशिश करूँगी कि पढ़ा दूँ, ये उसी से रिलेट करता है। जब भी आप लोग बेंजीन की असाइलेशन करवाएंगे तो उसमें बनता है एसिटोफिनोन और ये एसिटोफिनोन 90% होता है आई थिंक, हमारी बुक में लिखा हुआ था लास्ट बुक में लिखा हुआ था 90% होता है आई थिंक। तो आपको बस ये याद रखना है कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। एसाइलेशन का ही मतलब होता है कि एसाइल हैलाइड होने चाहिए। जब भी आप लोग एसाइल हैलाइड का रिएक्शन करवाएंगे बेंजीन के साथ तो एसिटोफिनोन की प्रोडक्ट बनेगा। लाइक ये कैसा होता है, आप जब भी बेंजीन का रिएक्शन करवाएंगे कोई सा भी एसाइल हैलाइड ले सकते हैं। एसाइल हैलाइड का ये जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कार्बन या हैलोजन। तो यहाँ पे हम मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं तो ये बन जाता है एसाइल हैलाइड एसिड होना चाहिए जिसको हम ए एल सी एल थ्री कह रहे हैं बेंजीन पे, और देन पे एसिटोफिनोन का प्रोडक्ट बनेगा। एसिटोफिनोन होता है ये बेंजीन के ऊपर आ जाता है इस पे सी सी एच थ्री और फिर एस सी एल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये प्रोडक्ट होता है एस एल की फॉर्मेशन हो गई और एसिटोफिनोन की फॉर्मेशन हो गई बेंजीन के ऊपर लग जाता है। या तो आप ये कर दें या फिर ये कर दें, तो बेंजीन के ऊपर लग जाता है ये वाला प्रोडक्ट और देन फिर एस सी एल मिल जाते हैं क्योंकि बेंजीन से एच जाता है एक। तो ये होता है एसिटोफिनोन एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, जहाँ से लॉस होगा वहाँ पर पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सो दैट्स इट, आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको नोमेनक्लेचर भी जल्दी करवा दूं और कोशिश होगी कि ये भी पढ़ा दूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि असल में बच्चों को समझ आता नहीं है। सो दैट्स इट, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।